नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवीन और आप देख रहे हैं चैनल डब्बा खोल। तो आज हम कोई डब्बा नहीं खोलने वाले, आज हमारे पास हैं बाइक के जो बल्ब होते हैं वो हैं। तो आज हम ना थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि स्टॉक लाइट जो होती है और जो आफ्टर मार्केट अगर हम कोई बल्ब लगाना चाहते हैं, HID, LED या हेलोजन बल्ब, तो कौन सा बल्ब बेटर रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है मेरा स्टॉक बल्ब, ये है अपना 35 वाट वाला, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, फिलिप्स का HSN12636 HP, 12 वोल्ट 35x35 वाट, ठीक है। उसके बाद मैंने मंगाए हैं ये दो बल्ब, एक है ओसराम का H4 6055 वाट और दूसरा है फिलिप्स का 12 वोल्ट में H4, ये भी वही है 6055 वाट का। ये बेसिकली कारों में लगाए जाते हैं, आप देख पाएंगे तो यहाँ पे कार का साइन भी आ रहा है, देख ये कार के अंदर लगाए जाते हैं, लेकिन बाइक में भी आप इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपकी बाइक ऐसी है जो कैपेबल है इतने वॉट को सहने के लिए। सारी बाइकों में आप नहीं लगा सकते, जैसे स्प्लेंडर है या 100cc की बाइक है उनमें नहीं लगा सकते क्योंकि उनमें कनेक्शन अलग होगा और हो सकता है उसकी बैटरी भी जल्दी ख़त्म हो जाए। LED की बात करते हैं, इससे पहले मैंने LED ही चूज़ करी थी, लेकिन LED आपको पता है जो काम हेलोजन बल्ब कर सकता है वो LED नहीं कर सकती। उसका जो रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्टर के थ्रू जब वो रोड पे पड़ती है तो इतना कुछ काम नहीं करती। इन दो बल्ब को मैंने टेस्ट कर लिया है, इनकी लाइट सेम है और प्राइस की बात करूँ तो ये कुछ 950 रुपये का है, ये 606 रुपये का है। और जबकि अगर हम 35 वाट की बात करें तो 35 वाट ज़्यादा से ज़्यादा 140 रुपये का या 100 रुपये का आता है, अगर आप मिंडा का लेते हो तो शायद 60 रुपये का भी आता है। तो बस यही थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी इसकी रोशनी में और इनकी रोशनी में काफ़ी अंतर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत अंतर है, लेकिन ये थोड़ा सा ब्राइट वाइडर लुक देते हैं और थोड़ी सी ज़्यादा लाइट प्रोवाइड करते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है 130% और इसमें भी लिखा हुआ है 130%, हाँ थोड़ी सी लाइट ज़्यादा प्रोवाइड जरूर करते हैं और सेम है दोनों। प्राइस इनका 300 रुपये का डिफरेंस है, अब ये पता नहीं क्यों है, लेकिन मुझे दोनों मैंने टेस्ट करके देख लिए तो दोनों का जो लाइट का परफॉर्मेंस है वो एकदम बराबर लगा, इसका थोड़ा सा कम है। और बाकी मैं टेस्ट की जो वीडियो है वो डाल देता हूँ वीडियो में, आप देख लीजिएगा। इन हेलोजन बल्ब की जो अच्छी बात वो ये है कि स्टॉक लाइट की तरह ये पैचेस नहीं बनाते छोटे छोटे, बल्कि एक अच्छा लुक देते हैं लाइट को, मतलब एक राउंड लुक देते हैं काफ़ी बड़े एरिया में। और जो दूसरी लाइट होती है अपनी स्टॉक लाइट वो क्या करती है, छोटा सा मतलब पैच सा बना देती है। LED लाइट में भी साथ में यही होता है, वो वाइट लाइट देती है लेकिन इतना अच्छा कवर अप नहीं दे पाती, और ये लो बीम हाई बीम दोनों देख लिया आपने। और अगर हम फिलिप्स की बात करें तो फिलिप्स में भी सेम ऐसा ही था, दोनों बराबर की रोशनी थी लगभग ही लगी। LED में ये प्रॉब्लम रहती है कि वाइट आपको दिखता तो ज़रूर है लेकिन वो एक कवर नहीं कर पाती एरिया को। हेलोजन में आपको अच्छी बात मिलती है कि ये कवर कर देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को डब्बा खोल को, और ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा, आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे।